हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विष्णु गुप्ता एंड वी आर लर्निंग बायोलॉजी हेयर, दैट इज़ मोर देन अ सब्जेक्ट। इन दिस पार्ट, इन दिस क्लास 12th सेशन, वी आर स्टडिंग अबाउट द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। एक्चुअली दिस लेसन डील्स विद द ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज़ ऑल्सो, कि हाउ द ड्रग्स आर देयर एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ ड्रग्स आर देयर एंड हाउ दे आर बींग अब्यूज्ड। क्लियर? I will tell you the meaning of abuse. That is not the meaning of abuse which you are thinking, drug abuse and alcohol abuse which we are going to study. So that is a different part from the human health and disease. If you see the name of the lesson, human health and disease, so that is also connected with that, but that is different part. Okay, so we are going to start the human health, in the human health and disease, the different part, the next part, that is drugs and alcohol abuse. So let's see what are the topics of today. इंटरेस्टिंग बहुत है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और ये भी आपको पता लगेगा कि हाउ द पर्सन ट्रैप इन दोज एविल, कैसे ट्रैप हो जाते हैं। तब तक ये बताओ कि कितने लोगों ने संजू मूवी देखी है। बहुत लोगों ने संजू मूवी देखी होगी, ठीक है। उस संजू मूवी में अगर आपने देखा होगा तो आपने कन्फर्म, आपको ड्रग्स के बारे में तो थोड़ा बहुत पता ही होगा कि कैसे जो है वो जिसने संजू का रोल कर रखा होता है वो कैसे जो है ड्रग्स में ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो ड्रग्स एक्चुअली है क्या, कि जब भी हमारा ड्रग्स का नाम आता है ना, तो हम सोचते हैं कि वो मूवी में जो हमने देख रखा होता है कि क्या क्या नाम सुन रखा होता है हमने, स्मैक ना, स्मैक बहुत ज़्यादा सुन रखा होता है, और कोकीन बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्मैक, कोकीन, हीरोइन, इनको ज़्यादा सुन रखा होता है हमने। तो हमारे मन में यही आता है कि ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स जो ली जाती है। एक्चुअली जो मेडिसिन होती है ना, उनको भी ड्रग्स बुलाते हैं। जैसे आपने बहुत सारी जो मेडिकल एजेंसीज होती हैं, मतलब जहाँ पे मेडिसिन मिलती हैं, कभी कभी उनका नाम होता है ड्रग एजेंसीज। मेडिसिन एजेंसी का नाम लिख के उनका नाम होता है ड्रग एजेंसीज। तो ड्रग मतलब होता है कि कोई केमिकल है, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो पीपल को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ठीक है, जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, उनको डील करते हैं, उनसे डील करते हैं, समझ में। तो उनको हम क्या बुलाते हैं, ड्रग्स बुलाते हैं। एक्चुअली अगर आप देखो तो एंशियंट टाइम में कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह तो होती नहीं थी, मेडिकल स्टोर तो होता नहीं था, तो लोग क्या करते थे अपने आसपास के एरिया में से, ठीक है। अभी भी आप ट्राइबल, अगर ट्राइबल्स के बारे में अगर स्टडी करो तो वो किसी डॉक्टर और हॉस्पिटल में नहीं जाते। दे नो अबाउट द प्लांट, वो प्लांट्स के बारे में जानते हैं एंड दे ट्रीट द डिजीजेज विद द पार्ट्स ऑफ दोज प्लांट। अभी भी अगर आप देखो, अगर आप CDIRI कभी आप जाओ तो आपको ये पता लगेगा कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो अभी भी ट्राइब्स के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप फीवर में कौन सी मेडिसिन, मतलब कौन सा प्लांट यूज़ करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो ड्रग्स हैं एंशियंट टाइम से इनका यूज़ होता रह रहा है, इनका यूज़ डिफरेंट पर्पस से होता आ रहा है। कैसे? ड्रग्स का यूज़ मोस्टली पेन किलर के फॉर्म में, जब सर्जरी होती थी भाई। अभी तो चलो बहुत मेडिकल साइंस में काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, पहले जब सर्जरी होती थी तो क्या होता था कि जो पेन होता था उसको दूर करने के लिए मॉर्फिन खिला दी जाती थी। मॉर्फिन एक टाइप की क्या है, ड्रग है, उसको खिला दी जाती थी, ठीक है। और लोगों को अनकॉन्शियस करने के लिए ड्रग्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि ड्रग्स का मतलब है क्या। ड्रग्स का मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे कुछ केमिकल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उनको एज अ मेडिकलिनल पर्पज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं को क्या बुलाते हैं, हम ड्रग्स बुलाते हैं। लेकिन हेडिंग क्या लिखी हुई है, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़। एल्कोहल तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले ड्रग के अब्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। अब्यूज़ का मतलब क्या हो गया, देखो अब्यूज़ मतलब एक तो होता है जो हम ख़राब शब्दों का यूज़ करते हैं, ठीक है, एक तो वो होता है। दूसरा, अगर आपने किसी चीज़ को अब्यूज़ कर दिया, इसका मतलब उसका गलत यूज़ कर लिया, ठीक है। जैसे ड्रग का अभी मैंने क्या यूज़ बताया कि मेडिक्लिनल पर्पज़ में यूज़ होता है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको पता होगा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो स्लीप, जिनको स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती, उनको डॉक्टर्स जो है कुछ सेडेटिव ड्रग्स देते हैं जिससे उनकी बॉडी बहुत स्लो डाउन हो जाती है, उनको नींद खूब आती है। लेकिन अगर आप वो ड्रग ऐसे ही मेडिकल स्टोर पर लेने जाओ तो ही विल नॉट गिव यू, वो आपको देगा नहीं। लेकिन सारे मेडिकल वाले थोड़ा ना ऐसा करेंगे, आप अगर 2 रुपये की टैबलेट पे 10 रुपये रेट दोगे तो कन्फर्म वो दे देगा। तो होता क्या है, उन टैबलेट्स को लेके लोग उसका मिसयूज़ करते हैं, उसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेते हैं, तो उसी कंडीशन को हम क्या बुलाते हैं, ड्रग अब्यूज़। जब एल्कोहल का ऐसे करते हैं तो एल्कोहल अब्यूज़ भी हो जाता है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ड्रग एडिक्शन, जब किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाए, और ड्रग अब्यूज़ इज़ टेकिंग ड्रग्स फॉर पर्पस अदर देन द क्लिनिकल यूज़। अभी बताया ना मैंने कि क्लिनिकल यूज़ नहीं है फिर भी लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, इन अमाउंट कंसंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इम्पेयर फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी।
ये बॉडी के ये तीनों फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है और उसी कंडीशन को हम क्या बुलाते हैं, ड्रग्स एब्यूज़। क्लियर है? तो इस सेशन में, इस पार्ट में वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स। ठीक है, बहुत सारी टाइप से पहला पॉइंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सी टाइप की कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं, उनके सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द सोर्स प्लांट ऑफ दोज ड्रग, उन ड्रग्स के सोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, किस पार्ट से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उनका बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है ड्रग्स से। ठीक है, आपको ड्रग का नाम याद होना चाहिए, कैटेगरी याद होनी चाहिए, उनका सोर्स क्या है, ठीक है, और उनका बॉडी पे इफेक्ट क्या है, ये तीन चीज़ों में हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बढ़ते आगे, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ड्रग्स का इंटेक है ना, ये क्यों एब्यूज़ हो जाता है, क्यों इसको एब्यूज़ माना जाता है। देखो, मैंने कई सारे यहाँ पे पॉइंट रखे हैं। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ के बता दूंगा आपको, बाकी आप लोग समझ सकते हो। जैसे ये तो मैंने बता दिया, फिर नॉन मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग प्लेजर एंड यूफोरिया, यूफोरिया मतलब एकदम मस्ती में रहना, ठीक है, प्लेजर में रहना। ठीक है, उसके बाद इन अमाउंट, स्ट्रेंथ, मैनर और फ्रीक्वेंसी दैट डैमेज द फिजिकल एंड मेंटल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये सारे जो करेक्टरिस्टिक हैं, ये ड्रग्स के हैं, जो क्या कास्ट कर रहे हैं, अब्यूज़ कास्ट कर रहे हैं, मतलब ये अब्यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स को। ठीक है, किस किस क्राइटेरिया पे हम कह सकते हैं कि ड्रग्स का अब्यूज़ हो रहा है। उसके बाद इसके फीचर्स भी हैं, करेक्टरिस्टिक ऑफ द अब्यूजेबल ड्रग्स, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला, पर टेम्परेरी प्लेजर प्रोवाइड कराते हैं, कुछ टाइम के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, जिन्होंने भी ड्रग्स लिया होगा उनको बहुत प्लेजर फील होता है, यूफोरिया की कंडीशन आ जाती है भाई। ठीक है, अब्यूज़र्स आर लाइकली टू टेक द ड्रग्स अगेन एंड अगेन, वो ऐसी ड्रग्स का ऐसा पहली बार तो उनको प्रॉब्लम होती होगी, बट वो उसके बाद इतना ज़्यादा उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, दे स्टार्टेड टेकिंग दैट ड्रग अगेन एंड अगेन। उसके बाद उनकी हैबिट में आ जाता है, जब हैबिट में आ जाता है तो उनके बिहेवियर, कॉन्शियसनेस सबको अल्टर कर देता है, सबको चेंज कर देता है। तो ये इस तरह से जो अब्यूजेबल ड्रग्स होती हैं उनका इस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पे। तो उनके ये सारे करेक्टरिस्टिक होते हैं कि वो किस तरह से बॉडी पे हार्म पहुंचा सकते हैं, बॉडी को अपने ट्रैप में ले सकते हैं, अपने बस में ले सकते हैं। समझ में? ठीक है, तो ये हो गया ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स क्या होती क्या है, उनको अब्यूजेबल ड्रग्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, और उनके क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ड्रग्स के, इसमें ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज, देखो तीन कैटेगरी की ड्रग्स में हमें पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी में भी इन्हीं तीन कैटेगरी के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, वैसे भी और भी बहुत सारी कैटेगरी है, मैंने यहाँ पे एक स्लाइड आपको दूंगा मैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट होंगे, उनके पार्ट्स होंगे और उनसे कौन सी ड्रग हम ऑब्टेन करते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है, तो हम तीन कैटेगरी में ड्रग्स को पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ओपोइड्स, दूसरा पढ़ेंगे कैनाबिनॉइड्स और तीसरा पढ़ेंगे कोका। ठीक है, ये तीनों कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं। क्लियर है? ठीक है, मोस्टली वैसे मैंने अभी बताया कि प्लांट से ये ड्रग्स मिलती हैं, कुछ प्लांट्स की हम लीफ का यूज़ करते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, कुछ प्लांट्स के सीड्स का यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जिनको हम फंजाई से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी मैंने जो चार्ट लगाया है उसमें पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ओपोइड्स के बारे में। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी ड्रग है तो उसका तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होगा। पहला, उसके रिसेप्टर्स कहाँ है, मतलब उसका इफेक्ट कहाँ पे जा के बॉडी पे पड़ रहा है। तो जब भी कोई ओपोइड्स ड्रग का इनटेक करेगा तो वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे CNS पे, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और दूसरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का मतलब हो गया स्टमक से आगे का पार्ट। ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट होता है उसमें जाके इनके रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब रिसेप्टर्स का मतलब क्या है, व्हेन एनीबॉडी विल टेक दीज ड्रग, ठीक है, दे विल मेनली इफेक्ट इन दीज टू पार्ट। इनके जो टारगेट ऑर्गन होंगे वो ये दोनों पार्ट होंगे, या तो वो CNS होगा या तो क्या होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होगा। अब आ जाओ सोर्स के बारे में, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, जिसको हम पॉपी प्लांट बुलाते हैं। ठीक है, पापी नहीं, पॉपी प्लांट बुलाते हैं। ठीक है, तो पेपेवर सोमनीफेरम पॉपी प्लांट है। ठीक है, और इसके अभी मैं इसकी पिक्चर भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, ये पॉपी प्लांट होता है ये। ठीक है, अब देखो ये अनराइपन जो फ्रूट है ना, इसी से लेटेक्स जो निकलता है उसी से ये कुछ केमिकल्स निकाले जाते हैं, जो केमिकल्स होते हैं इनसे ऑब्टेन कर लिए जाते हैं, उन्हीं को प्योरीफाई करके हम ड्रग्स का, मतलब ड्रग्स का फॉर्मेशन किया। तो देखो, पहला तो हो गया इसका मेन सोर्स क्या हो गया, पेपेवर सोमनीफेरम, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। अब आपने देखो हीरोइन सुना है ना, अभी मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि हमने कुछ ड्रग्स का नाम सुना है कहाँ पे, मूवीज़ वगैरह में सुना है। तो हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक, इसी को स्मैक बुलाते हैं, इस केमिकली डाई एसिटिल मॉर्फिन, मतलब इसको हम केमिकली इसको अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं।
ये वाइट देखे होगा आपने, पुलिस वाले जब पकड़ते हैं तो वाइट एकदम नमक की तरह पैकेट होता है, तो वाइट होता है, ओडोरलेस होता है, बिटर क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। एंड दिस इज ऑब्टेन्ड बाई एसिटिलेशन। अभी मैंने कहा ना कि पेपेवर मतलब जो पॉपी प्लांट है उससे हम निकालेंगे मॉर्फिन, समझ में आया, ठीक है। उस प्लांट से क्या निकालेंगे, मॉर्फिन। उस मॉर्फिन का एसिटिलेशन करेंगे, और जब एसिटिलेशन करेंगे तो वही किस में चेंज हो जाएगी, हीरोइन और स्मैक में। तो इस तरह से हम मॉर्फिन को कैसे ऑब्टेन करते हैं, एसिटिलेशन से, ठीक है। उसके बाद मॉर्फिन से हम और भी फॉर्म उसके प्रिपेयर कर सकते हैं, क्लियर। सो इस तरह से ये जो ड्रग है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जा रही है, लेटेक्स से। अभी मैंने बताया आपको, लेटेक्स जो फ्लूड पार्ट होता है, जो एक फ्लूड की तरह पार्ट निकलता है, उसको बोलते हैं लेटेक्स, ठीक है। और मोड ऑफ अपटेक, अब देखो इसको कैसे लोग अब मतलब लेंगे कैसे। आपने मूवीज़ मलंग मूवी अभी जल्दी में रिसेंट में आई थी, तो आपने मलंग में भी बहुत ज़्यादा ड्रग का अब्यूज मतलब ड्रग का यूज़ देखा था, और ड्रग का अब्यूज़ ही बोल सकते हैं, यूज़ नहीं, वो अब्यूज़ है पूरी तरह से, एकदम उसी से उसी के में ट्रैप हो जाना। कितने सारे क्राइम होते हैं सोचो उसी के चक्कर में, ठीक है। सो वहाँ पे आपने देखा होगा, एक होता है स्नॉटिंग। स्नॉटिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, कि अपनी एक नॉस्ट्रिल को बंद कर लेते हैं और पेपर पे कुछ ऐसे रखते हैं, उसको खींचते हैं, मतलब अपने इनहेल करते हैं उसको बहुत तेज़ी से, उसको बोलते हैं स्नॉटिंग, ठीक है। जैसे कभी कभी हमारी नाक बंद हो जाती है तो हम बहुत तेज़ अपनी नॉस्ट्रिल से एयर को खींचते हैं, तो वो क्या होता है, स्नोरिंग करना। हाँ, स्नोरिंग से याद आ गया कि जब कोई स्नोरिंग नहीं करता, जब उसकी खर्राटे हिंदी में लेता है, ठीक है, तो वो स्नोरिंग में क्या होता है, बहुत तेज अंदर की तरफ खींचता है तो आवाज़ आती है, एकदम वैसे ही स्नोटिंग होती है। और दूसरा फॉर्म क्या होता है, इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन के फॉर्म में इन ड्रग्स को ले लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनके रिसेप्टर्स, फिर इनका सोर्स क्या है, ठीक है, कौन कौन से इनके फॉर्म होते हैं। एक तो हीरोइन होता है, स्मैक होता है, मॉर्फिन होता है। ये तीन हम मतलब तीन इसके फॉर्म हम बना सकते हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी कौन सी होगी, ओपोइड्स। ओपोइड्स जो है वो मेन कैटेगरी है, और जो हीरोइन हो गया, स्मैक हो गया और मॉर्फिन हो गया, ये तीनों इसके क्या हैं, टाइप हैं, जो इस प्लांट से हम इसको ऑप्टेन करके डिफरेंट फॉर्म में बना सकते हैं। अब आ जाओ, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है बॉडी पे, ये जो है बॉडी को स्लो डाउन कर देता है। मतलब अगर कोई डिप्रेशन में है तो इन ड्रग्स का हम यूज़ कर सकते हैं, बॉडी बॉडी को बॉडी फंक्शन जितने भी होते हैं उसको स्लो डाउन कर देगा, और डिप्रेसेंट एजेंट ड्रग होता है, ठीक है। बहुत सारे जो साइकेट्रिक होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो मोस्टली एक तो एक एक सॉल्यूशन होता है उसका काउंसलिंग। काउंसलिंग के बाद भी अगर बात नहीं बन रही है तो वो डिफरेंट डिप्रेसेंट ड्रग का यूज़ करते हैं, जिससे उनके ब्रेन जो है वो डिप्रेस में चला जाता है, मतलब शांत हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका इफेक्ट, क्लियर। और पॉपी प्लांट का मैंने आपको दिखाई दिया था, आपके एनसीईआरटी में भी इस प्लांट का मतलब डायग्राम बना हुआ है, पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि पॉपी प्लांट कैसा दिखता होगा, ठीक। इसी को अफीम सुना होगा आपने, हिंदी में अफीम सुना होगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, देखो मैंने स्लाइड भी बड़ी रंगीन लगा दी है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो कैनाबिनॉइड्स है, ठीक है। पहले मैं इसको, ये आपने ये देखा होगा आपकी कॉलोनी में, एक तो ये वीड होता है, जितने भी मोस्टली जो ड्रग्स होते हैं ना, सबसे मेन बात है कि ये वीड होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं, इनको कोई ग्रो नहीं करने जाता, अपने आप ग्रो हो जाते हैं, ये अच्छा है, ठीक है, कि ड्रग्स जो है और यूज़ करें और यूज़ करें जिसको यूज़ करना हो। तो ये प्लांट तो आपने कॉलोनी वगैरह में देखा होगा, जिसको हिंदी में हम गांजा या भांग बोलते हैं। गांजे और भांग के प्लांट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी जो उनका मतलब फीचर होता है, जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है, वो लगभग लगभग सेम होता है, ठीक है। मतलब आप जो लोग उसको इनटेक करते हैं वो जल्दी से आइडेंटिफाई कर जाते हैं कि गांजे का प्लांट है कि भांग का प्लांट है, लेकिन वो लगता है लगभग लगभग थोड़ा बहुत सेम है। शिवरात्रि में तो आपने सब लोगों ने भांग का प्लांट चढ़ाते ही होंगे, ठीक है, आपको मिलता ही होगा, तो आपने सब ने देखा होगा। तो उसी वो जो भांग और गांजा है ना, वो किस कैटेगरी की ड्रग है, दैट इज़ कैनाबिनॉइड्स। इसीलिए इसका सोर्स प्लांट क्या है, कैनाबिस सटाइवा, यही साइंटिफिक नेम है गांजे और भांग के प्लांट का, कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। इसके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इसके पहले वाली ड्रग के रिसेप्टर CNS में थे, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में, और दूसरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, ठीक है। अब आ जाओ इनके कौन कौन से पार्ट से हम ड्रग को ऑप्टेन कर सकते हैं। फ्लावर टॉप्स का यूज़ कर सकते हैं, लीव्स का यूज़ कर सकते हैं, रेजिन का यूज़ कर सकते हैं, उससे जो केमिकल निकलते हैं रेजिन, ठीक है। उसके बाद कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन, मैंने अभी बताया ना कि जैसे मरजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सब आपने सुना होगा ना, तो ये सब किससे बनाए जाते हैं, इसी प्लांट से बनाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग फॉर्म इसका होता है, ठीक है। अब आ जाओ मोड ऑफ इनटेक, इसका इनटेक कैसे करते हैं लोग।
इन्हेलेशन करते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना देखा भी होगा, ठीक है, जो गांजे का जो इनटेक करते हैं वो इन्हेलेशन करते हैं, इन्हेल करते हैं। दूसरा ओरल इंजेशन भी करते हैं, जो भांग वगैरह होता है उसका ओरल इंजेशन भी करते हैं, ठीक है, ओरली खाते हैं उसको। और ये इफ़ेक्ट इसका मेनली कहाँ होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, मतलब मेन जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, और हार्ट पे भी प्रेशर पड़ता है। तो इस तरह से इनकी इनका ये इफ़ेक्ट हो गया। तो दो कैटेगरी की ड्रग आपने पढ़ ली, पहला ओपोइड्स और दूसरा कैनाबिनॉइड्स। ओपोइड्स से याद रहेगा आपको अफीम, अफीम टाइप या पॉपी प्लांट याद रहेगा, और कैनाबिनॉइड्स से आप इसका सोर्स याद कर सकते हो, दैट इज़ कैनाबिस, ठीक है। तो कैनाबिस सैटिवा आपको कैनाबिनॉइड्स से याद रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग पे, दैट इज़ कोका, और कोका अल्कलॉइड और कोकीन, ये भी आपने सुना होगा, कोकीन भी खूब ये कॉमन वर्ड है ड्रग्स के मामले में। इसका जो मेन सोर्स प्लांट होता है दैट इज़ इरिथ्रोजाइलम कोका, ये मोस्टली साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इसका मैं ये पिक्चर दिखा देता हूँ, ये देखो, इसमें देख रखते हो आप छोटे छोटे ये जो बेरी की तरह हैं, ये है ना, इसके सीड्स होते हैं, इन्हीं सीड से इन ड्रग्स को बनाया जाता है। छोटे छोटे जो सीड्स दिख रहे हैं, कहीं कहीं पिंक कलर के हैं, राइपन हो चुके हैं, कहीं पे अनराइपन है, तो ये सब सीड्स होते हैं। ये प्लांट होता है, इसका नाम क्या है, इरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। अब इरिथ्रोजाइलम कोका से हमें कौन सी ड्रग मिलती है, दैट इज़ कोका और कोकीन, ठीक है। नेटिव टू साउथ अमेरिका होता है, मतलब मोस्टली वहीं पे होता है, मतलब इसको यहाँ पे भी हम ग्रो कर सकते हैं। रिसेप्टर्स देखो, इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। आपने 11th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 9th में भी थोड़ा सा पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में, तो वहाँ पे आपने न्यूरॉन पढ़ा था, ठीक है। न्यूरॉन में क्या पढ़ा था कि जो न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स होती हैं और दूसरे न्यूरॉन की जो एग्जॉन होता है, ठीक है, उन दोनों के बीच में कुछ केमिकल सेक्रेट होता है, उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। कुछ याद आया कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो केमिकल सिग्नल जाता है वो किसके थ्रू जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जाता है। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है डोपामिन। तो ये क्या करता है, उससे इंटरफेयर कर जाता है। अब देखो, उससे इंटरफेयर कर जाएगा तो क्या होगा कि जो मतलब उनमें जो इम्पल्स मूव कर रही है वो इम्पल्स मूव करना या तो स्लो हो जाएगी या तो बंद हो जाएगी। इसका मतलब है आपको कोई सेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई सेंस नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इंटरफेयर कर रहा है। इसी ड्रग को हम मतलब मेनली क्या बुलाते हैं, कॉमनली क्या बुलाते हैं, कोक, अब वाला कोक नहीं, ठीक है, और क्रैक। ये भी अगर कहीं पे कोई कोक पूछे या क्रैक पूछे ड्रग्स के फॉर्म में, तो ये ड्रग के क्या होते हैं, नाम होते हैं, जो कहाँ से हम ऑप्टेन करते हैं, इरिथ्रोजाइलम कोका से, ठीक है। इसका मेन जो इनटेक होता है, मतलब लोग कैसे इनटेक करते हैं, स्नॉटिंग, मेनली इसको स्नॉटिंग से लेते हैं, ठीक है। आपने मूवीज़ में सीरियल में देखा होगा, और जो अभी मैंने दो मूवीज़ का नाम बताया इसमें इसको आप देखे होगे, या अगर आगे देखोगे तो उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ड्रग्स का यूज़ कैसे लोग करते हैं और कैसे ये मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इसका इफ़ेक्ट पे। एक तो सबसे पहला ये CNS को स्टिमुलेट करेगा, जिससे यूफोरिया और एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। एनर्जी कैसे इंक्रीज़ हो जाएगी, हार्ट का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, और एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर इसका एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा डोज कोई ले ले, तो एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। सब लोग को पता होगा इंग्लिश का वर्ड है हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन में है। हेलुसिनेशन मतलब होता है कि जैसे आप बैठे हो और आप ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो हो नहीं रही है, जो एक्चुअल में नहीं है। जैसे आप ये सोच रहे हो आप हवा में उड़ रहे हो, आप एरोप्लेन में उड़ रहे हो, ठीक है, आप स्कूल जा रहे हो, हेलुसिनेशन है, ठीक है। अभी आप जा तो रहे नहीं, एक्चुअल में तो हो नहीं रहा, लेकिन आप उन चीज़ों के बारे में एकदम अपने आप को उसमें क्या कर चुके हो, इन्वॉल्व कर चुके हो। तो उस प्रॉपर्टी को, उस कंडीशन को क्या बुलाते हैं, हेलुसिनेशन बुलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो तीन कैटेगरी की ड्रग आपने यहाँ पे पढ़ ली, पहला ओपोइड्स, दूसरा कैनाबिनॉइड्स, और तीसरा कोकीन और कोका अल्कलॉइड। ये तीन टाइप की ड्रग्स होती हैं। अब इन तीनों टाइप के जो ड्रग्स हैं इनका यूज़ क्या है, अगर देखा जाए तो इनका जो मिसयूज़ लोग कर रहे हैं तो यूज़ क्या होता है। आपने अभी देखा कि इनको हम बहुत सारे ऐसे कंडीशन होती हैं, साइकोलॉजिकल कंडीशन होती हैं, ठीक है, जिसमें हम इसको, इन ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर्स और जो जहाँ पे ड्रग्स का फॉर्मेशन होता है वो इन्हीं से कुछ केमिकल निकाल के एक्सट्रैक्ट करके उनमें डालते हैं। जैसे जितने भी पेन किलर होती हैं, ठीक है, जो पेन किलर होती है उसमें मॉर्फिन का कुछ अमाउंट पड़ा होता है, तो ये इनका यूज़ है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जो मॉर्फिन जहाँ से मिल रही है, मतलब मॉर्फिन का जो मतलब मेन फॉर्म है, मतलब जो कह सकते हैं कि जो मेन सोर्स है, उसी को क्या करने लगते हैं, मिसयूज़ करने लगते हैं।
तो उसको एज अ ड्रग, एज अ मेडिसिन ना लेके उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कर लेते हैं, और इसी को क्या बुलाते हैं हम, ड्रग अब्यूज़। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया तीन कैटेगरी के ड्रग के बारे में। ये देखो मैंने एक चार्ट लगा दिया है, इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा अपना देख लेना, इतनी आपकी आईज तो कमज़ोर है नहीं, आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसमें देखो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट ऑफ द प्लांट, उसके बाद फैमिली से बहुत ज़्यादा आपको रिलेशन मतलब कुछ लेना देना नहीं है, फैमिली छोड़ देना। उसके बाद इनके कौन से ड्रग्स मतलब कौन से पार्ट का यूज़ करते हैं हम, लेटेक्स का यूज़ करते हैं, लीव्स का यूज़ करते हैं, सीड्स का यूज़ करते हैं ना, देखो डिफरेंट पार्ट्स हैं यहाँ पे, और कौन सी ड्रग ऑप्टेन करते हैं जैसे भांग गांजा है ना, और ये कौन सी है मतलब ये कास क्या करते हैं, ये भी लिख रखा है ब्रैकेट में। तो ये चार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगा और भी प्लांट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमने केवल तीन कैटेगरी की ड्रग पढ़ी हुई हैं। ठीक है, और भी कुछ ड्रग्स होती हैं जिनके पास जो है वो हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टी होती है, हेलुसिनेशन प्रॉपर्टीज़ होती है, और जो और कुछ ड्रग्स होती हैं, ये देखो जैसे ये मैंने लगा रखा है, अदर वेल नोन प्लांट्स विद हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टी जिनके पास जो हेलुसिनेशन कास्ट करते हैं, जैसे एट्रोपा बेलेडेना, धतूरा आपने सुना होगा ना, धतूरा कैलोट्रॉपिस जिसको बोलते हैं, ये भी वीड होता है, कॉलोनी वगैरह में बहुत होता है, और आप धतूरा चढ़ाते भी हो शिवरात्रि के दिन, तो आपको याद है कि धतूरा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी ड्रग्स होती हैं, बारबी यूरेट्स होती हैं, एम्फेटामाइंस होती हैं, बेंजोडायजेपिन्स होती हैं, एलएसडी, एक मूवी कौन सी आई थी उसमें उसमें जो पुलिस वाला होता है उसका नाम ही होता है एलएसडी। ठीक है, उसका फुल फॉर्म कुछ और था लेकिन वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो एलएसडी क्या है, एलएसडी भी एक क्या है, ड्रग है जिसका फुल फॉर्म होता है लिज़ेरिक एसिड डाइएथिल एमाइड्स। ये सब क्या होते हैं, नॉर्मली तो उनको हम पेशेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, उनकी मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, इनसोमनिया मतलब होता है नींद ना आना। ठीक है, जो स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं इनसोमनिया। तो इन सारी कंडीशन से ओवरकम होने के लिए हम पेशेंट में इसको यूज़ करते हैं। लेकिन मॉर्फिन जो होती है, जैसे अभी मैंने बताया था ना, मॉर्फिन क्या होती है, सिडेटिव ड्रग होती है, पेन किलर की तरह यूज़ होती है इसको। ठीक है, एंड यूज़फुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी, जिनकी सर्जरी होती है उनको पहले भी मॉर्फिन दिया जाता था। ठीक है, अभी तो एनेस्थीसिया दे दिया जाता है और भी बहुत सारे पेन किलर होते हैं, लेकिन जो पेन किलर होता है उसमें थोड़ा सा अमाउंट मॉर्फिन का होता है, जो हाईली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पेन किलर होती हैं उनमें। ठीक है, तो ये कुछ और भी ड्रग्स हैं जिनसे हम कई सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकते हैं और इनका यूज़ भी बहुत होता है। ठीक है, और ये चार्ट हो गया, इस चार्ट में आपको बहुत सारी ड्रग्स के बारे में पता लग रहा है। और उसके बाद आ जाओ टोबैको पे, लास्ट पार्ट है ये टोबैको। टोबैको सबको पता है कि टोबैको लीफ के फॉर्म में होता है, इसको डिफरेंट फॉर्म में लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग को देखा होगा ऐसे हाथ पे ऐसे कुछ रब करते हैं और ऐसे ऐसे पटकते हैं ना। ठीक है, तो एक्चुअली उस वो जो होती है टोबैको का दूसरा फॉर्म होता है उसको बोलते हैं स्नफ, या तो चुई करते हैं या तो स्नफ करते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद टोबैको कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, लेकिन मेन जो केमिकल होता है उसका नाम होता है निकोटीन। सबको याद है कि टोबैको में क्या होता है, निकोटीन होता है, ये एक एल्कलॉइड होता है। निकोटीन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, ये आपके एनसीईआरटी में पूरी लाइन यही लिखी हुई है। ठीक है, जो निकोटीन होता है ये क्या किसको स्टिमुलेट कर देता है, एड्रिनलिन ग्लैंड को। और तुम्हें पता है एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, एड्रिनलिन। और एड्रिनलिन का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे, कि वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को ठीक है रेज कर देता है, बढ़ा देता है। सो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है रिलीज एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, दो हार्मोन होते हैं ठीक है एड्रिनल ग्लैंड के, एक एड्रिनलिन और दूसरा नॉन एड्रिनलिन। और ये ब्लड में जब सक्रीट होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, पहला हार्ट रेट बढ़ा देता है। स्मोकिंग ये एसोसिएटेड, तुम्हें पता है जितने भी स्मोकिंग वाले जो पैकेट होते हैं, चाहे वो टोबैको का पैकेट हो चाहे वो सिगरेट का पैकेट हो, सब पे लिखा रहता है इट कॉजेस कैंसर। ठीक है, मतलब तंबाकू खाने से कैंसर होता है, बड़ा बड़ा साफ साफ लिखा रखा होता है, लेकिन लोग तब फिर भी उसका इनटेक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एडिक्ट हो चुके हैं, वो उसके पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, उसको छोड़ नहीं सकते चाहे जितने भी वो हार्म कास करे, चाहे जितना भी आप उसको डरा दो। ठीक है, तो अभी हम इस लेसन के जो लास्ट पार्ट है उसमें यही सब डिस्कस करेंगे कि लोग कैसे ट्रैप हो जाते हैं, हम ट्रैप होने से कैसे बच सकते हैं, जो ट्रैप हो गया उनको कैसे बचा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्मोकिंग एक और कंडीशन कास करता है कि कैंसर कास करता है, जितने भी रेस्पिरेटरी पार्ट होते हैं उनमें कैंसर कास कर सकता है, जैसे लंग्स में, थ्रोट में, ब्रोंकाइटिस में, एम्फिसिमा के में क्या होता है, जो एल्वियोली होता है उसमें फ्लूड भर जाता है, एम्फिसिमा जिसको बोलते हैं, और उससे क्या होता है, धीरे धीरे जो लंग्स है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है।
कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होती है, क्योंकि लंग्स अगर ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं दे पा रहा है, तो कन्फर्म है हार्ट पे भी प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, हार्ट की भी जो कोरोनरी पार्ट है, जो उनका आसपास का जो पार्ट है, उस पे जो चेस्ट है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की कमी आएगी, और जिसको बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़। यूरिनरी ब्लैडर भी इफेक्टेड होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब टोबैको के इफ़ेक्ट होते हैं। एक इफ़ेक्ट और भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे टोबैको स्मोकिंग इज़ रिलीज़ CO कंटेंट, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ब्लड में CO कंटेंट को बढ़ा देता है, और किसके कंसंट्रेशन को कम कर देता है, हीमोबाउंड ऑक्सीजन को, मतलब हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड है उसके कंटेंट को कम कर देता है, उसके अमाउंट को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है ना, उसको ऑक्सीजन से तो प्यार है, लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा उसको कार्बन मोनोऑक्साइड से प्यार होता है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड होने लगता है, और इस तरह से ऑक्सीजन, हीमोबाउंड जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम होने लगता है। तो इसकी ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की क्या होने लगेगी, डेफिशिएंसी होने लगेगी। ठीक है, इसीलिए जितने भी स्मोकर्स होते हैं, उनको अगर आप रनिंग करा दो, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे नहीं होते, अगर वो चेन स्मोकर्स हैं तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो टाइप की स्मोकिंग होती है, मैं आपको बता दूँ, ये कहीं लिखा नहीं है, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक्टिव स्मोकिंग मतलब जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, वो स्मोक कर रहा है, तो इस तरह से वो जो स्मोकिंग कर रहा है वो एक्टिव स्मोकिंग है। लेकिन अगर आप उसके पास खड़े होकर उसको देख रहे हो, ठीक है, और उस स्मोक को इनहेल कर रहे हो, तो आप भी स्मोकिंग कर रहे हो, और उस स्मोकिंग को क्या बुलाते हैं, पैसिव स्मोकिंग। तो इस तरह से दो टाइप की स्मोकिंग, और कहते हैं कि पैसिव स्मोकिंग इज मोर हैजार्डियस देन द एक्टिव स्मोकिंग, ज़्यादा हार्मफुल होता है एक्टिव से। ठीक है, क्योंकि उसके उस स्मोक के साथ और भी बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। इसीलिए देखो लिखा होगा कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस होती हैं वहाँ पे स्मोकिंग अलाउ नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप भी किसी पब्लिक प्लेस पे खड़े और कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो आप लीगली उसको क्या कर सकते हो, उसको लीगली आप जो है उसको मना कर सकते हो, ये लीगल है। ठीक है, लीगली उसको आप सप्रेस कर सकते हो कि ये दिस इज़ नॉट लीगल थिंग, ये लीगल नहीं है, लीगल राइट है हमारा कि आपको मना कर सकते हैं, और इस पर फाइन भी है। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग होती है। तो यहाँ पे ड्रग का पार्ट ख़त्म हो गया कि ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं और ड्रग अब्यूज़ कैसे होती है, ये भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ड्रग्स के बारे में पता लग गया, ड्रग अब्यूज़ के बारे में पता लग गया, और ये चार्ट मैंने दे दिया, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स के बारे में पता लग जाएगा, और वो कहाँ से ऑप्टेन, मतलब कहाँ से क्या सोर्स होता है उनका, ये भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, आई एम कंप्लीट इन दिस सेशन नाउ, और कंफर्म है आपको यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और जैसे मैंने अभी बताया कि संजू मूवी, मलंग मूवी, ये सब अगर आप देखोगे तो उसको बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ठीक है, और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिलेगी। जैसे आपको ये पता लग जाएगा कि रिहेबिलेशन सेंटर क्या होता है, संजू मूवी में रिहेबिलेशन सेंटर में ही भेजते हैं, आपने एक सॉन्ग सुना होगा ना, कर हर हर मैदान फतेह, तो जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है, फिर अपनी मम्मी का वो जो सॉन्ग उन्होंने गाया होता है उसको सुनता है, ठीक है, तब उसको अंदर से मोटिवेशन आता है, नहीं मैं रिहेबिलेशन सेंटर में रहूँगा। ठीक है, तो अगर आप वो मूवी देखोगे तो आपको काफ़ी इंस्पिरेशन भी वहाँ से मिलेगा, दूसरी तरफ मत इंस्पायर हो जाना, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट ही उसके कलेक्ट करना। तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन, होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, और मैक्सिमम शेयर करना है, जिनको ड्रग्स के बारे में जानना है दे कम एंड दे कैन गेट टू नो अबाउट द ड्रग्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो जय हिंद, जय भारत।